एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेखा अपने चैनल रेखा द स्मॉल वर्ल्ड में फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो ये वीडियो है थर्सडे का और मैं बना रही हूँ आलू चने की सब्जी कुकर में, वो भी फटाफट से। तो मैंने ले लिया सरसों तेल और उसमें डाल दिया तेज़पत्ता और जीरे का फ़ोरन और मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस करके इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। और हाँ, मसाले में मैंने बहुत ही सिंपल ली है, जो आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता रहता होगा कि मैं बहुत सिंपल से मसाले डालती हूँ और बहुत ही सिंपल कुकिंग करती हूँ, लेकिन हाँ येट बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी। तो मैंने मसाले में लिया अदरक, जीरा, लहसुन, धनिया, काली मिर्च और लाल मिर्च। बस ये मसाले को अच्छे से डाल करके उसको फिर से प्याज के साथ फ्राई करना है और जब मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे। क्या डाल देंगे देखते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग इसमें डालेंगे हल्दी, नमक और उसको अच्छे से मिला देंगे, एक बार अच्छे से चला देंगे और थोड़ा सा 2-3 मिनट चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 कटे हुए टमाटर और फिर से इसको चलाएंगे टमाटर के सॉफ्ट होने तक। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे आलू और चना जिसको मैंने पहले से धो करके और कट करके रखा, और चना थोड़ा सा जो स्प्राउटेड भी है ये और भी हेल्दी हो जाएगा। तो बस इसको अच्छे से चलाना है, कुछ नहीं करना है, बस मसाले जब तक अच्छे से फ्राई हो जाएं और प्याज और सब कुछ मिक्स हो जाए दूसरे में तब हम इसमें डाल दें थोड़ा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता मैंने अभी भी डाला और बाद में भी डालूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और नमक मैंने बाद में डाला है इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा सब्जी हो जाए या फिर अंदाज़ा ना हो ना पानी डालने का, इसलिए तो अभी मैं पानी डालूँगी उसी हिसाब से मैंने नमक डाला है क्योंकि मैं इसको आज खाने वाली हूँ झोर भात, तो अच्छे से मैं पानी डालूँगी इसमें ताकि ज़्यादा ग्रेवी हो। अगर आप सब्जी को सूखा बनाना चाहते हैं तो कम पानी डालें, लेकिन मुझे ये सब्जी बहुत मतलब रसदार जिसको हम लोग बोलते हैं वो बनाना है झोर वाली सब्जी, तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस इसको ढक्कन लगा देना है और जितना हो सके 2 विसिल काफ़ी है इसके लिए, और उसके बाद इसको खोल देना है। आपकी सब्जी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी खोलने के बाद 2 विसिल के बाद। इसको खुद से निकलने दें जो इसका प्रेशर है। देखिए बिल्कुल सब्जी रेडी है, हम इसमें डाल देंगे अब धनिया पत्ता और इसको हल्का सा जो है मतलब आपके पास अगर मैशर हो तो उसे मैश कर देना है, मेरे पास तो है लेकिन मुझे मतलब इसको हम लोग डब्बू बोलते हैं, डब्बू से ही मैं कर दे रही हूँ और इसी से फटाफट से मिक्स हो गई। बहुत ज़ोरों की भूख लगी, इतना टेस्टी लग रहा है ना और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बस फटाफट से अब खाना है चावल, ये वाली सब्जी, दही और घी बस। तो आज सुबह सुबह का मेरा जो मतलब नाश्ता बोल लीजिए या फिर जो भी बोल लीजिए ये है। उसके बाद मैं आ गई, आज बहुत बारिश हो रही है तो इधर मेरा जो थोड़ा सा कॉरिडोर है ना उस पर मैं आ गई हूँ। देखिए इतने बहुत दिनों के बाद ये अड़हुल खिला है, मतलब 3-4 महीने से खिलना बंद हो गया। तो ये पोटिला का कितना खूबसूरत सा कलर है और दूसरे कलर का लाइट मतलब कि जो पिंक होता हुआ इसका जो बनावट है वो दूसरा, और ये चंपा और ये सदाबहार। बस थोड़ा सा टहलने से मूड फ्रेश हो जाता है। और ये रात का है, रात में मैं बना रही हूँ अंडा कढ़ी, तो ये फर्स्ट टाइम है सावन के बाद कभी हम लोग अंडा कढ़ी नहीं खाए थे, तो ये भी ट्राई कर लेना क्योंकि मटन और चिकन मैंने खा लिया था तो अब खाना था अंडा कढ़ी। तो अंडे को मैंने बॉईल कर लिया साथ में आलू के साथ, और जब भी बॉईल करें अंडे को ना थोड़ा सा उसमें नमक डाल दें और नमक डालने के बाद अंडे को बॉईल करें और अच्छे से मैं नमक काट करके और हल्का सा दोनों तरफ से कट लगा देना है अंडे को ताकि वो छिटके ना। और कढ़ाई में मैंने ले लिया सरसों तेल और सरसों तेल में पहले अंडे को फ्राई कर लूँगी इस तरह से, ढक्कन के साथ मैं तुरंत डाल देती हूँ ताकि वो छिटके ना, कि मेरे एक बार बहुत ज़बरदस्त मेरे हाथ जल चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और बस आज मुझे फटाफट बनाना है रात का खाना, तो मैं उसको मिक्सी में ही क्रश कर ले रही हूँ प्याज को और उसको फ्राई कर लूँगी। पहले तेल डाल दिया मैंने सरसों, उसे मैंने सिंपली तेज़पत्ता और जीरा का फ़ोरन डाल दिया है, और जब प्याज फ्राई हो जाएंगे तो बस वही सिंपल मसाले आप देख सकते हैं। ऐसे मैंने लाल रेड जो रेड चिली वो भी नहीं डाल रही हूँ, इसको ग्रीन चिली में ही बना रही हूँ। सब लोगों को पता होगा ग्रीन चिली जो होता है वो रेड चिली से ज़्यादा हेल्दी होता है। और बस इसको मैं फटाफट इस मसाले को इसमें डाल दूँगी और इसमें मैं बगैर इसको मैं टमाटर की बनाती हूँ। आप लोग देखते होंगे इस चीज़ को कि कभी भी मैं ना अंडा कढ़ी में टमाटर नहीं डालती हूँ, और बस आलू जो मैंने बॉईल करके रखा था वो मसाले के साथ पीस ले रही हूँ और फिर इसको फ्राई कर लूँगी।
साथ साथ में फ्राई कर लूँगी और उसके बाद हल्दी और नमक भी डाल दूँगी, क्योंकि ये जो एग है ना वो तो पहले से फ्राई है और आधा पका पूरा पका हुआ भी है, तो उसको तो बस लास्ट में डालूँगी। लेकिन आलू जो है वो हाफ मतलब था, तो इसको साथ में कर देने से वो अच्छे से पक जाता है। और बस इसको ढक देना है, अच्छे से बॉयल आने के बाद हम इसमें मिला देंगे अंडे और बस इसको ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि अंडा ऑलरेडी पहले से ही पूरा पका हुआ है। और ढकने के बाद जैसा आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से जब हो जाए तब इसमें हम लोग डाल देंगे धनिया पत्ता और अंडा कड़ी की सब्ज़ी रेडी। तो आज का जो मतलब हमारा डिनर है वो मस्त है। मैंने थोड़ा चावल भी बना लिया है, रोटी भी बना ली है, और चावल रोटी के साथ रात का डिनर कर, और ये सुबह सुबह है संडे सॉरी सैटरडे, और सैटरडे को हम लोग सुबह सुबह यहाँ हटिया से ले आए हैं 2 kg फिश बिल्कुल फ्रेश। को मैं पहले अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। सबसे पहले मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया ऐसे ही, फिर इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच आटा, गेहूं का आटा, और उससे मैंने इसको साफ़ कर ले रही हूँ। फिर गेहूँ के आटा के साफ़ करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक, तो नमक से थोड़ा साफ़ कर लेंगे तब जाके ये पूरी तरह से फिश जो है साफ़ हो जाता है। और मैंने लहसुन का पेस्ट 6-7 लहसुन की कलियों का मैंने पेस्ट बना लिया है, उसको पहले से करके रखी हुई हूँ, उसको इसमें मिलाऊँगी तब जो है मेरा फ़िश का जो फिश है तैयार होगा फ्राई करने के लिए। तो बस फिश मैंने धो लिया अच्छे से, मैंने डाल दिया इसमें नमक हल्दी और लहसुन का पेस्ट, और मैंने इधर कढ़ाई गरम कर लिया है, इसमें मैंने डाल दिया सरसों तेल और फ्राई कर। तो फ्राई करने का सबसे तरीका, सबसे पहले जितने भी इसके सर है ना और पूंछ वो पहले फ्राई कर लें, उसके बाद सारे पीसेस को फ्राई कर लें, तो इससे ज़्यादा अच्छा रहता है। जो इसका मुंडी है वो अच्छे से फ्राई हो जाता है। इस तरह से मैं हमेशा फ्राई करती हूँ, और धीरे धीरे से सारे जो पीसेस हैं वो फ्राई कर लेना है, और उसके बाद तैयारी कर लेनी है मसाले की। तो मसाले में मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिया, सरसों, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, अदरक और लहसुन, इसी का पेस्ट बनता है और कुछ नहीं। मैंने सरसों तेल ले लिया तो डाल दिया मैंने लाल मिर्च और पंचफोरन, फिर मैंने डाल दिया 1 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज बहुत बारीक, और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब गोल्डन ब्राउन ये हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे सिंपली जो मसाले में बता रही हूँ सरसों और लहसुन के जो पेस्ट है मेनली वो इसमें डाल देना है, ताकि इसका जो टेस्ट है ना इसी से तो आता है। तो इसमें कोई ये नहीं करना है कि इसमें धनिया भी डाल दिए, जीरा भी डाल दिए, ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं बनाती। उसमें सरसों, काली मिर्च और लहसुन का ही मेन पेस्ट रहता है और लाल मिर्च का। बस इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाए तब इसमें डाल देना है हल्दी और टमाटर अच्छे से डालना है, क्योंकि उसी से ये खट्टा खट्टा होता है, इसके सारे जो से स्मेल वगैरह होते हैं सब खत्म हो जाते हैं और टेस्टी बहुत लगता है। टमाटर के साथ नमक तो डाल ही देना है, उसको अच्छे से टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है। बस जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग जैसा भी मुझे ग्रेवी रखनी है उसी तरह से पानी इसमें डाल देना है। तो बस देखिए सारे तेल जो हैं वो छोड़ दिए हैं, चारों तरफ जमा हो गए हैं, तब हम इसमें डाल देंगे। मैं 2 बड़े कटोरी इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पतला झोर अच्छा लगता है, और जब इस तरह से उबलने लगे ना तब इसमें हम डाल देंगे पीसेस, और बस सारे पीसेस डाल करके 4 से 5 मिनट तक इसको उबलने देना है, और हमारी जो फिश करी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा, अच्छा लग रहा है और मेरे रेसिपीज़ आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, नए व्यूअर्स होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस फिश करी बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको मैं 5 से 7 मिनट ऐसे उबलने दूंगी और लास्ट में डाल दूंगी ढेर सारा धनिया पत्ता और बस मिला दूंगी मेरी फ़िश करी और चावल। मेरा नाश्ता रेडी हो गया और हम